गाइज वेलकम टू डे टू ऑफ ऋषिकेश। सो डे टू का आज का प्लानिंग ये है कि आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा डे टू रिवर राफ्टिंग से। तो मैंने अपना रिवर राफ्टिंग ऑलरेडी एडवांस में बुक कर लिया है ताकि वो लोग मुझे ज़्यादा चार्ज ना करे। तो मैंने गंगा रिवर राफ्टिंग से अपना रिवर राफ्टिंग बुक किया है और जो मेरा जो रिवर राफ्टिंग है वो है 16 किलोमीटर। टू मच नॉइस, सॉरी गाइज, अवॉइडेड। 16 किलोमीटर्स का राइड है तो उसमें मैंने 11 बजे का स्लॉट बुक किया है तो हमारे अप्रॉक्स देख लो 3-4 घंटे निकल जाएंगे। उसके बाद का प्लानिंग हम देखेंगे। तो आपको रिवर राफ्टिंग में पिक एंड ड्रॉप मिलता है तो मेरे को पिकअप के लिए मेरे होटल से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। वहाँ पे पुलिस चौकी है, वहाँ पे से पिकअप मिल जाएगा मेरे को। फिर वहाँ से हम देखते हैं कि जर्नी कैसी रही है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी हम चौराहे ये जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुँच गए, काफ़ी एक्साइटेड है इसको बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या होने वाला है। सो गाइज ये रही मेरी राफ्ट, आप ऊपर देख सकते हैं रेड कलर की है और अभी गाड़ी आ गई है। सो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। सो लेट्स गो। सो गाइज अभी हमें पैडल मिल गया है, आप देख सकते हैं पैडल, लाइफ जैकेट और हेलमेट सब पहन लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे गंगा की तरफ हमारी राफ्टिंग करने के लिए। सो वी आर रेडी एंड एक्साइटेड। वहाँ से आपको एक 20 रुपीज़ की स्लिप लेनी है, आपको पैडल वगैरह लेके जाना, वो गवर्नमेंट फीस है। सो मेक श्योर कि आप ये ले लो, वो आपके आपके जो गाइड है वो आपको सब कुछ इंस्ट्रक्ट कर देंगे। और यहाँ पे खाने पीने का भी सब सामान है, मैगी वेफर्स सब कुछ मिलता है। सो यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट बट आई डोंट प्रेफर कि अभी मत खाना चाहिए वरना फिर जब आप राफ्ट करने जा रहे हो। और जो मेरी राफ्ट है दैट इज 16 किलोमीटर्स लॉन्ग, आई एम वेरी एक्साइटेड। और आप यहाँ से देख सकते हो आपसे गंगा बह रही, सबको दिखेगी कितना खूबसूरत व्यू है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे गंगा की तरफ, यहाँ पे राफ्टिंग शुरू होती है आप देख सकते हो और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा है ये। सो टिंग टिंग। सो अभी हम लोग आ गए हैं शिवपुरी, शिवपुरी से हम रामझुला जाएंगे राफ्टिंग करके। तो हम लोग को नियरली 2-3 आवर्स लगेंगे। भैया बोल रहे हैं कि 2 घंटा लगेगा, वो अभी हमको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, समझाएंगे, दे विल ब्रीफ यू अबाउट एवरीथिंग कि क्या है क्या नहीं। सो उसका मतलब कैसे करना है वो आपको सब कुछ ब्रीफिंग मिल जाएगी। सो नाउ आई एम एक्साइटेड, मतलब अभी हम लोग ब्रीफिंग लेंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, हर हर, हर हर। अबे कहाँ से रोप को पकड़ना, सभी लोगों ने पानी में स्लाइड जाना, जाइए रेडी 1 2 3 एंड जंप। यस देखो एक चलेगा, जाओ एक कहाँ से रोप छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया जंप। यस ओके लिसन, अब इधर सुनो, अब रोप को ऊपर कोई वेट नहीं डालेगा, ठीक है? अगर वेट डालोगे तो आपकी बॉडी अंदर आएगी। लूज पकड़िए प्लस एल्बो ओपन कर दो, हाथों को सीधा एल्बो ओपन करो मैडम, और प्लस ये जो बेल्ट है इस बेल्ट को उड़ के पीछे जा करके चेक करो। पानी गीला है, बहुत गीला है। आज जम चुके हमारे थोड़े से कांप रहे हैं दोस्तों। मैडम पीछे तो जाइए, आप भी आइए, आप भी आइए, और रोप छोड़ दो ब्लू वाली। यार बहुत बढ़िया, अभी तक मैंने पहले के ऊपर पहले देखेंगे एंड लाउडली जोर से बोलना है गंगे मैया की, गंगे मैया की, हर हर, हर हर। अब चलाइए ठंडी बहुत लगी बेचारे को, ठंड बहुत लगी। अरे यार हमको तो भाई बहुत मजा आया, ये वाले में उतारना चाहिए था, ये वाला पानी ज्यादा लग रहा है, इसमें पत्थर ज्यादा है भैया, तो पत्थर है इसलिए नहीं उतारा। अच्छा अगर पत्थर है जहाँ पे सेफ जोन होगा हम खुद उतार देंगे। Ah
सो गाइस अभी 2 बज रहे हैं, हमारी राफ्टिंग करके हो गई है। यहाँ पे हमको राम झूला के पास छोड़ दिया है, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। राफ्टिंग हो गया यहाँ पे पीछे साइड। अब मैं खाऊंगी कुछ खाना क्योंकि कसम से भूख लगी है। सुबह से बस हल्का नाश्ता किया था। सो अभी आप अगर पहाड़ों में आए हो तो पहाड़ों में बिना मैगी के तो यू कैन नॉट लाइक गो विदाउट ईटिंग मैगी। सो अभी आंटी हमारे लिए मैगी बना रही है, हमने इनको बोला था सब्जी वाली मैगी बनाने के लिए। गाइस गरम गरम मैगी आ गई है इन पहाड़ों के साथ, देख सकते हैं यहाँ पे राफ्टिंग और सब कुछ हो रहा है और मैगी भी है यहाँ पे। मेरी राफ्टिंग हो गई और गरम गरम मैगी मेरे हाथ में। आई कैन नॉट वेट टू डिग इन एंड हैव दिस मैगी। सारे इट्स लोडेड विद वेजिटेबल्स, यहाँ पे कांदा, शिमला मिर्चा, सॉरी गाइस शिमला मिर्च, गुजराती तो थोड़ा गुजराती आ जाता है मुझसे, बट इफ़ यू आर ऑल्सो गुजराती सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। शिमला मिर्च और गुजराती विदाउट टेलिंग यू आर गुजराती है ना? यस यस ऑफ कोर्स। इसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, गज्जर है, ऑनियंस है, मटर है, एवरीथिंग। दैट्स जस्ट टेस्ट मैन। गरम है स्वाद आ गया। गर्विता आपको स्वाद आ रहा है मैगी में? बहुत मजा आ रहा है। सो बर्गर मिल गया है, बर्गर टिक्की। बहुत अच्छा है ये बर्गर, नहीं है तो बर्गर टिक्की, बट इसका स्वाद बहुत बढ़िया है, इट्स अमेजिंग। देख सकते हो खाने के बाद अभी इनको कुछ ठंडा खाना है, आइसक्रीम। ये हमारे बैंकर है, पैसा भरो भाई। ये सब आपको ऋषिकेश में ऐसे आइसक्रीम वाले बहुत सारी सारी जगह मिल जाएंगे। क्या बोली? आज ये दोनों ने वापस स्पिनिंग कर ली है, अच्छे लगे। सो गाइस अभी हम लोग राफ्टिंग करने के बाद रूम में गए थे, थोड़ा आराम किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद अभी रेडी होके विदाउट मेकअप जस्ट लिपस्टिक एंड काजल लगाया है क्योंकि मेकअप करने की भी देर वॉज लाइक ताकत ही नहीं थी बिल्कुल भी। सो अभी थोड़ा रेस्ट करके रेडी होके अभी हम बाहर आए, अभी हम घाट जाने वाले, पर घाट जाने से पहले थोड़ी भूख लगी है। सो नाउ वी आर हैविंग अ रोड साइड बर्गर, भैया बना रहे हैं, सही बढ़िया बना रहे, एकदम अच्छा सा बढ़िया था। सो मैंने एक्चुअली काफ़ी रील्स देखी थी तो ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था खाने के लिए। सो मैंने ईट दैट, ही इज़ गोना मेक इट। उसके बाद अस्सी को सब्जी, हमारे पास हमारे बर्गर आ गए, लेट्स टेस्ट इट। इट हैज़ अ बर्गर, मतलब सैंडविच जैसा थोड़ा टेस्ट करेगा, नॉट एग्जैक्टली बर्गर, इट्स गुड। टिक्की अच्छी है इसकी, वेजिटेबल्स भी अच्छी है, मस्ट ट्राई, आई मीन एक बार आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। सो नाउ यू लिव हियर इन, फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम बेल्जियम। ओह सो नाउ यू लिव हियर इन ऋषिकेश? यस यस। फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स आर यू लिविंग हियर? फ्रॉम 1 year now. फ्रॉम 1 year. ओह सो नाउ व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर प्लान्स, लाइक how do you feel here in Rishikesh? Yeah, as well. I love India very much, and Rishikesh is very a special, defined place for me. I love it so much. I have a feeling I belong here in Rishikesh. And I want to do something for India because India gave me so much already. Did you learn anything in Hindi? Well, yeah, I'm trying to learn. Yeah, just tell me what you okay, tell me whatever you have learned in India, whatever you know in Hindi. Just tell me. I know mera naam Jyoti hai. Oh wow, Indian name. Yes, I have an Indian name. And I know aap kaise ho? Wow, hum bahut badhiya hai. Aap kaise ho? सो गाइस अभी बर्गर खाने के बाद हम लोग आ गए हैं घाट पे, ये बैठी हुई है यहाँ पे राम झूला के यहाँ पे घाट पे। कितना खूबसूरत दिख रहा है रात का नज़ारा, आप देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो वो राम झूला है, ना खूबसूरत दिख रहा है। चलो रात को थोड़ा पानी में घाट में जाके थोड़ा पैर डुबा के आते हैं क्योंकि बहुत इच्छा हो गई थी।
अच्छा ठीक है, इट्स वेरी कोल्ड, काफ़ी ठंडा है रात में पानी, बट यहाँ से हमारा व्यू कितना खूबसूरत है आप देख सकते हो। ये देखो ये यहाँ पे गंगा जल भर रहे हैं सबके लिए। अरे भाई ये गंगा जल भर रहे हो यार तुम, गिव अवे भाई बता दो अभी इसका क्या करना है, गिव अवे करना है गाइस, हम गिव अवे कर रहे हैं यहाँ हमारे गंगा जल का गिव अवे, किसी को चाहिए नहीं, सब यहाँ पे सबके लिए फ्री है, यहाँ पे आके लेके जाओ जितना चाहिए उतना भर के लेके जाओ। ओहो देखो देखो आसिम बोला गुजराती रॉक्स, मुंबई वाला शौक गाइस लाइव है गर्विता तो पूरा थैली भर के, गर्विता ने पूरे थैली भर के उठाया है, ये अभी से तीन भरे उसने और ये गंगा जल भर रही है सब यहाँ से, सब ये यहाँ से मुंबई लेके जाने वाली है ये दूसरे से। अगर बोला मुझे कि क्या लेके आए मेरे लिए तो मैं तुम लोग के लिए गंगा जल लेके अपने पाप धो लो। ओहो कितने पाप किए तुम लोग ने, तुम्हारे पाप धुलवा रही है घर बैठे बैठे, क्या नेक काम करती है। दो तेरे लिए रखती हूँ। फिर डिनर में हमने मस्त निपटाया, राजमा चावल हमें रोड साइड मिल गए थे, इट इज ओनली फॉर 30 रुपीज प्लेट और इतने स्वादिष्ट थे भैया मत पूछो, कि हम तो पूरी की पूरी प्लेट निपटाए गए भाई साहब। हैविंग रबड़ी, शी इज हैविंग रबड़ी। अच्छी लगी? नहीं ज्यादा स्वीट भी नहीं। हाँ हाँ, दिस गाय इज हैविंग वाटर। क्या खा रहा है तू, क्या पी रहा है? लस्सी। सो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, फिर वापस पार्ट 3 में जल्दी मिलेंगे।